गाइस, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे नाम के आगे एक सब्सक्राइब का बटन रहेगा, आप उसे हिट कर दीजिए। उसके बाजू में ही एक बेल आइकन रहेगा, आप उसे भी हिट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं कभी भी कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आता रहे। एंड अगर आपको न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ डेमोज देखना पसंद है तो डेफिनेटली मेरी चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। राइट नाउ आप सोचोगे कि मेरे चेहरे पे फिलहाल कुछ कम है या खाली बेज है, तो कुछ तो कम है। यस ऑफ कोर्स, आज जो मैं आपको लाइक डेमो दिखाने वाली हूँ वो सारे ही न्यू लॉन्चेस है जो कि है इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स की ओर से। तो इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स ने फिलहाल अपने रेंज में बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई है। जैसे उन्होंने ये कंसीलर ऐड किया हुआ है जिसका नाम है नो स्मच कंसीलर। ऑलरेडी इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स में बहुत सारे कंसीलर्स हैं, मैं एक उसका पूरा कंपैरिजन वीडियो लाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। आप उसके लिए मेरी चैनल सब्सक्राइब ऑलरेडी किया होगा तो आपको वो दिखेगा, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये सबसे पहले है नो स्मच कंसीलर, इसके बारे में, इसीलिए मैंने फिलहाल फेस पे कोई कंसीलर नहीं लगाया हुआ है, खाली प्राइमर एंड फाउंडेशन बेस जो बोलते हैं वो लगाया हुआ है। तो ये कंसीलर का मैं आपको डेमो और दिखाऊंगी। उसके बाद है ये इनसाइड मेकअप एसेंशियल का क्रीमी लिप एंड चिक टिंट, इसका जो फिलहाल आप लिप पे देख रहे हो ये वही लिप टिंट है, इसको मैं चीक्स पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो एक ये प्रोडक्ट है। उसके बाद है इनसाइड मेकअप एसेंशियल से बेसिकली दो अलग अलग रेंज ऑफ लिपस्टिक्स लॉन्च किए, बट मेरे पास जो है वो स्टे मैट लिप कलर, ये लिपस्टिक का स्वॉच, ऑफ कोर्स मैं आपको लिप स्वॉच दिखाऊंगी, एज वेल एज उन्होंने अपनी रेंज में अगेन हाइड्रेटिंग लिप ग्लॉसेस लॉन्च किए हुए, तो ये भी, इसका भी मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स का वन बाय वन करके सारे डेमो दिखाऊंगी। राइट, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मेरे लिप्स पे जो है वो उनका ये क्रीमी लिप एंड चिक टिंट है जिसका नाम है 04 चेरी ब्लॉसम। ये वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी मैंने अपने लिप्स पे लगाया हुआ है, जब लिपस्टिक की बारी आएगी तो ये निकाल के हम लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी बेस किया हुआ है, बेस के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है एक वेट एंड वाइल्ड का ये फोटो फोकस फाउंडेशन एंड शुगर का बेस ऑफ फ्लोरी जो प्राइमर है वो मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये बेस है एंड मैंने खाली आईब्रो फिलअप किया हुआ है, दैट्स इट, उसके आगे मैंने कुछ नहीं किया है। तो आगे बढ़ते हैं कंसीलर की ओर। तो नो स्मच कंसीलर, इसमें मेरा शेड जो मैंने लिया हुआ है वो MN18 है, ये इसका आउटर पैकेजिंग है। ये सारे प्रोडक्ट्स का ना आप शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो कि जैसे ही मेरे हाथ में प्रोडक्ट्स आते हैं ना मैं उसका शॉर्ट्स बनाती हूँ। तो अगर आपको जनरली कभी कभी शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन यूट्यूब की ओर से नहीं आता है तो डोंट वरी, आप रोज़, क्योंकि मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ रोज़ एक शॉर्ट्स अपलोड करने का, तो मेरी चैनल में जाके अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे शॉर्ट्स के उसमें दिखेगा, तो विदाउट फेल वो भी आप चेक कीजिएगा। ये इसका इनर पैकेजिंग है, जो MN18 जो शेड है ये इसका इनर पैकेजिंग है, काफ़ी जम्बो है बॉटल, आप इसका देख सकते हो काफ़ी जंबो है। राइट, तो अभी मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी, इसका एक हैंड स्वॉच खाली आपको दिखा देती हूँ। ये वो कंसीलर का हैंड स्वॉच है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसे अप्लाई करती हूँ, अप्लाई करने के बाद मैं आपको फिर से मिलती हूँ। यस, अभी आप देख सकते हो कि मैंने कंसीलर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, मैंने कोई पाउडर या किसी से भी कुछ भी सेट नहीं किया हुआ। ये उसका डेफिनेटली आप देख सकते हो कि ये उसका आइस वॉच, यानी आइस पे अप्लाई करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब यू कैन से कि मेरी स्किन से या मेरे फाउंडेशन शेड या उससे ये शेड परफेक्ट मैच करता है। लेकिन अगर आप हाईलाइटिंग कंसीलर ढूंढ रहे हो तो आप इसे एक हाथ शेड लाइटर जा सकते हो। मैं हाईलाइटिंग कंसीलर जनरली यूज़ नहीं करती, तो मेरे लिए ये परफेक्ट शेड है जो जिसका मैंने आपको ऑलरेडी स्वॉच दिखाया हुआ है। नाउ अभी मैं क्या करती हूँ, इसे सेट करके लाइनर और वो बेसिक लगा के देन आई विल कम बैक, तो हम फिर हम इसका लिप एंड चिक टिंट का डेमो करेंगे। तो आई विल बी जस्ट राइट बैक। यस, जैसे मैंने आपको बोला था, कंसीलर को सेट करके, पाउडर से नॉर्मल सेट करके मैंने लाइनर और मस्कारा लगाया हुआ है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, इसका चेरी ब्लॉसम जो शेड है उसका चीक्स पे आपको मैं करके दिखाती हूँ। उसके पहले मैं ज़रा ऑफकोर्स शेक किया था, लेकिन थोड़ा एक बार फिर से शेक करके इसे मैं आपको इसका हैंड स्वॉच दिखा देती हूँ। इसका भी शॉर्ट्स ऑलरेडी मेरे शॉर्ट्स के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। ये इसका हैंड स्वॉच है, आप देख सकते हो। राइट, तो अभी मैं इसको आपको चीक्स पे लगा के दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं बिल्ड करूँगी, बिकॉज ज़्यादा अगर लग गया तो डिफ़िकल्टी होता है, एंड मैं इसे अपने हाथ से ही ब्लेंड करूँगी पहले। ठीक है, देखिए ये ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैंने खाली अपने फिंगर से ब्लेंड किया हुआ है, ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है।
एंड या मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये अप्लाई करने से पहले मैंने इसमें कोई भी लाइक मेरे चेहरे को मैंने पाउडर या किसी से सेट नहीं किया हुआ है, तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कंसीलर के बारे में बताना भूल गई। कंसीलर में ऑल टुगेदर 6 शेड्स अवेलेबल हैं कंसीलर का, और 3 शेड कलर करेक्टर के अवेलेबल हैं। ये 140 रुपीज़ का रिटेल करता है और इसमें 5 ग्राम का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। इनसाइड कॉस्मेटिक्स यानी इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स के सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है, तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और जो भी ब्रांड के क्लेम्स हो वो सब है, वो सारे पैकेजिंग पे दिया हुआ है, सो मैं वो सब नहीं बताऊंगी, बट आप सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आपको वीडियो के दरमियान कभी भी कोई भी चीज़ का कोई भी क्वेरी हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल भी दे दूंगी स्क्रीन पे, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी मुझे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगी आपका जो भी क्वेरी होगा जितनी जल्दी हो सके उतना सॉल्व करने का। तो बेसिक रहा ये कंसीलर के बारे में। अभी मैं आपको इसके ये देखिए ऑलरेडी इसका जो कैप है ना ये वाइट है ना, तो ये देखिए बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है, वो मैं उसको बाद में साफ़ कर दूँगी। ये अभी हम मैं लिप एंड चिक टिंट के बारे में आपको बताऊँगी। लिप एंड चिक टिंट इसमें टोटल 5 शेड्स अवेलेबल है, 225 रुपीज़ का रिटेल करता है और 7.5 ग्राम्स इसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। मेरा जो शेड है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 04 चेरी ब्लॉसम, ये इसका आउटर पैकेजिंग है एंड ये इसका इनर पैकेजिंग है। तो शॉट्स ऑलरेडी अवेलेबल है एंड फिलहाल मैंने आपको इसका डेमो भी करके दिखाया। अभी मैं क्या करती हूँ, मैं ये लिप जो लिप एंड चिक टिंट है ये जो लगाया वो निकाल के आई यूज़ दिस, मैं अभी ये अप्लाई करके इसके ऊपर ग्लॉस अप्लाई करूँगी, तो आई बी जस्ट राइट बैक, मैं वापस आती हूँ। येस, आप देख सकते हो कि ये लिप एंड चिक टिंट निकालना बहुत ही आसान है, नॉर्मल टिश्यू से यानी नॉर्मल मेकअप रिमूवर से निकल जाता है, आपको कोई भी वाटरप्रूफ या वो लेने की ज़रूरत नहीं, ईजिली निकल जाता है। अभी हम बात करेंगे इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स का स्टे मैट लिप कलर इसके बारे में। इसमें ऑल टुगेदर 24 शेड्स अवेलेबल है, 225 रुपीज़ का रिटेल करता है, 3 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इसमें आपको मिल जाएगा। एंड जो मेरा शेड है वो शेड नंबर 14 फोटो डम्प, इसका भी शॉट्स अवेलेबल है, तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक हैंड स्वॉच करके दिखा देती हूँ, ये इसका हैंड स्वॉच है। ओके, अभी इसे हम लिप्स पे अप्लाई करते हैं। यस, ये लिपस्टिक एक्चुअली लगाने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने दिया है, अभी हम देख लेते हैं कि ये वेदर ट्रांसफ़र होता है कि नहीं है। थोड़ा सा एक माइनर सा ट्रांसफ़र होता है, बट दैट्स ओके, निग्लिजिबल है। थोड़ा अगर आप और सेट होने देंगे तो शायद वो ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाएगा। एंड अभी हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ये हाइड्रेटिंग ग्लॉस, राइट। अभी ये एक्चुअली पिंक है, इसका नाम पिंक ब्लॉसम 04। मैं इसके ग्लॉस के बारे में आपको बता देती हूँ, इसमें 4 शेड्स अवेलेबल है, 249 रुपीज़ का रिटेल करता है, 3.5 ग्राम्स इसका इसमें आपको मिल जाता है। मेरा जो शेड है वो 04 पिंक ब्लॉसम, ये शेड है, इसका भी शॉट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं इसका भी आपको एक हैंड पे ये करके दिखा देती हूँ हैंड स्वॉच। यहाँ पे आप इसका हैंड स्वॉच देख सकते हो, राइट। एक्चुअली ये पिंक ब्लॉसम है, इसके ऊपर लगाना मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ इसे निकाल के, बिकॉज वो ब्राउन है और ये पिंक है तो आपको इसका ओरिजिनल कलर नहीं समझेगा, तो मैं क्या करती हूँ ये लिपस्टिक निकाल के वापस आती हूँ और आपके सामने इसे मैं लगा के दिखाती हूँ। यस, अभी आप देख सकते हो कि मैंने लिपस्टिक ऑलरेडी निकाल दिया है, तो अभी ये डायरेक्ट हम ग्लॉस का वो करेंगे। ग्लॉस का एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो एप्लीकेटर है ना वो बहुत ही ह्यूज है, यानी जंबो है, इवन कंसीलर का भी एप्लीकेटर काफ़ी बड़ा है, जंबो है। तो अभी हम खाली ये लिप ग्लॉस लगाएंगे। ये पिंक ब्लॉसम जो शेड है वो शेड है, ऑफकोर्स मेरी स्किन पे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्योंकि इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स ने इसमें खाली 4 शेड्स निकाले हैं, तो मुझे जिसमें लगा कि सबसे ज़्यादा टिंट रहेगा, मे बी क्योंकि मेरे पिगमेंटेड लिप्स हैं, तो मैंने ये कलर सिलेक्ट किया है। अगर आपको चाहिए तो आप दूसरा शेड भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मेरे स्किन के लिए एज़ फार एज़ आप मुझे पूछोगे तो ये ग्लॉस मुझे ओके लगा, राइट। तो अभी मैंने ये जो भी नए प्रोडक्ट्स है वो सारे मैंने आपको ट्राई करके डेमो करके सारी चीज़ें दिखा दी है। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी और नए प्रोडक्ट्स का दिमाग में आपके आइडिया है या कुछ भी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप एज आई ऑलरेडी सेड कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी बता सकते हो, तो मैं वो प्रोडक्ट्स परचेस करके लाइक डेमो और रिव्यू करने का ट्राई करूँगी डेफिनेटली। एंड आप अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आपको ऐसे न्यू लॉन्चेस प्रोडक्ट 100% श्योर आपको पसंद है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।
यस। एंड अभी आप मुझे पूछोगे कि मेरा फाइनल थॉट्स क्या है ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो जो मैंने अब तक मैं 4 प्रोडक्ट्स यूज़ किए, तो उसमें सबसे पहला कंसीलर काफ़ी क्रीमी है, इजीली ब्लेंड होता है, फुल कवरेज तो नहीं है, मीडियम कवरेज है, बट मेरे डार्क सर्कल्स को वो कवर करता है, तो मेरे लिए कंसीलर थम्स अप, प्रोवाइडेड आपको अपना शेड मिले तो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 6 शेड्स ही अवेलेबल है, तो अगर आपको आपका शेड मिल जाता है तो डेफिनेटली थम्स अप है कंसीलर के लिए। नो स्मच कंसीलर लिखा है, देखते हैं कि कितनी देर तक ये ऐसे रह सकता है। लिप एंड चिक टिंट के बारे में अगर आप मुझे पूछोगे तो डेफिनेटली मुझे ये शेड काफ़ी पसंद आया। ऑफकोर्स इसमें 5 शेड्स है, बट मुझे पर्सनली ये शेड बहुत पसंद आया, चेरी ब्लॉसम। तो अगर आप मेरी स्किन के हो तो ये आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। आप सोचोगे कि मैंने वीडियो में बहुत बार डेफिनेटली बोला है, तो आई एम सॉरी, मुझे आदत है बोलने का, तो एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये लिप एंड चिक टिंट 100% आप इसे परचेज कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे स्टे मैट लिप कलर के बारे में, तो येस इसमें 24 शेड्स अवेलेबल है, तो आपको अपने चॉइस का 100% कोई तो भी परफेक्ट शेड मिल जाएगा, तो मेरे तरफ से ये भी आप ले सकते हो। ग्लॉस अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं सजेस्ट करूँगी, पर्सनली मुझे ग्लॉस इतना पसंद नहीं आया, बाकी आपकी पसंद। 4 ही शेड्स अवेलेबल है, अगर कोई और डार्क शेड्स अगर उन्होंने निकाले रहते जो पिगमेंटेशन को कवर सके एंड खाली कवर कर सके ना, खाली अगर हम ग्लॉस यूज़ कर सकते तो इट वुड हैव बीन बेटर, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता। बट ये पिंक आप देख सकते हो कि इट्स नॉट दैट ग्रेट शेड ऑन माई सेल्फ, मतलब पर्सनली मेरे लिप्स पे वो इतना अच्छा नहीं है, तो फॉर मी ग्लॉस इज़ अ पास, बाकी 3 चीज़ परफेक्ट आप जा सकते हो। या तो एज आई ऑलरेडी सेड, कुछ भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड या विदाउट फॉरगेट आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना है भूलिएगा मत। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।